हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएफ इंटरनेट में। आज जो एग्ज़ाम हुआ है आपका फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें आपने हिंदी में कितना क्वेश्चन सही किया है पूरा सल्यूशन आपके सामने जो है मैं लाने वाला हूं। और एक से आपके टोटल 200% रहे होंगे, आपने कितना सही किया तो आप अपना मिलान कर लीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो सकता है। इस पेपर से आप मिलान कर लीजिएगा अपने आंसर की से। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। देखिए इसमें पूछा है, तो क्रम भूमि आपकी है, ये मानसरोवर है, ये शतरंज के खिलाड़ी है, ये तो आपका जो है ये मैला आंचल आपका जो है कृति नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। मैं ऐसे बोलता जा रहा हूँ, आप फटाफट नोट करते जाइए, ठीक। आपके बाद उसके बाद में आपका आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है, योजक चिन्ह आना जाना में, यानी आना जाने में आपका जो लगता है ना, जैसे माता पिता हो गया, इसमें ये बार वाला चिन्ह लगता है। तो तीसरा हो गया आपका, तीसरा आप जो है कमेंट करके आप सब बताएं निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप बताएं। मेरे हिसाब से तो डी हो रहा है, आपके हिसाब से क्या हो रहा है? और चौथे का भी आंसर डी है, ठीक। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं फटाफट प्रश्न को पढ़ नहीं रहा हूँ। पांचवे का आपका बी है, पांचवे का भी संदेहवाचक, ठीक। फिर आपका छठवे का भी संयुक्त वाक्य, आठवें का आपका आठवां जो है, आठवें से आपका वो है, आपको बताना है इसमें पढ़ करके आपको उत्तर देना है, तो आप जो है स्वयं इसे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में सीधे आते हैं हम सीधा बारहवें क्वेश्चन पे। अभय उभय, 12 के ए हो जाएगा आपका, 13 का, 12 का, 12 का ए, 12 के ए होगा आपका, 13 का फिर ए हो जाएगा, फिर 14 का आपका, 14 का सी, फिर 15 का आपका, 15 का हो जाएगा ए, करुड़ निष्ठुर हो जाएगा, फिर 16 का आपका डी हो जाएगा, इत आएगा ता, और 17 का आपका हो जाएगा ए, 17 का ए, ठीक, 17 का ए, जिस पर टिक नहीं लग पा रहा है तो आप जो है मैं बोलते जा रहा हूँ, 18 का आपका सी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में आप सीधे 19 पे आइए, 19 का आपका हो जाएगा बी, 19 का बी, 20 का बी, 21 का डी, सॉरी 21 का डी, 22 का आपका सी होगा, 23 का आपका ए होगा, 24 का आपका सी होगा, 25 का आपका सी होगा, 25 का भी सी होगा, 26 का आपका ए होगा, 26 का ए आ गया, 27 का आपका जो है, यानी निम्न से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, 27 का आपका सी होगा विवाह, 28 का आपका ए होगा विधाता, ठीक। 29 में आते हैं, 29 का आपका ए होगा, 30 का सी होगा, 31 का आपका ए होगा, 31 का ए, फिर 32 का आपका बी होगा, 33 का बी होगा, 34 का आपका ए होगा, 35 से आप जो है 35 का आपका जो है 35 का बी, 35 का बी, 36 का ए, 37 का ए, फिर आपको आते हैं 37, उसके बाद में सीधा आते हैं फिर 42 पे, क्योंकि वो है आपका फिर इधर बीच में 38 से लेकर हो, तो आप इसको खुद पढ़ के जो है अपना करेंगे, ठीक। उसके बाद में 42 का देखिए आपका ई होगा, ठीक है, 43 का बी होगा, 44 का डी होगा,
45 का भी डी होगा, 45 का डी कृपा, 46 का डी सत्तू, 47 का डी मयूर, 48 का सी कंधा, 49 का बी हल्दी, 50 का सी बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी छत से अलग हो रही है। इससे पूछ रहा है कि अपादान कारक यानी अलग होना। 51 का आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या हो सकता है। 52 का आप बताइए, 52 का कमेंट, 52 का मेरे हिसाब से सी होगा, बहुवचन, चार शब्द का प्रयोग किस वचन के लिए किया जाता है, क्या सही है कि नहीं। ठीक, 53 का आप देखिए डी होगा, 53 का डी। 54 का जो है, 54 का सी, 55 का ए, 56 का बी, 57 का डी, 58 का सी, 59 का सी, 60 का पी। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 61 का आपका बी होगा, बी इत्यादि इति ध्यान आदि। उसके बाद में 62 का आपका बी होगा, 63 का आपका सी होगा, एक दूध का ग्लास दो, ठीक है, 64 का आपका डी होगा, 65 का आपका बी होगा। अब वायु समास, उसके बाद में 66 का बी होगा, 67 का आपका ए होगा, 68 का आप कमेंट बॉक्स में बताएं, 69 का आपका ए होगा, ठीक, 70 का आपका होगा सी, 71 का आपका होगा ए, 72 का होगा आपका सी अनु, 73 का आपका होगा बी, 74 का आपका होगा ए, और 75 का आपका होगा बी, 76 का सी होगा, 78 का आपका सी होगा। द्वंद्व समास,